सोमवार को भिलाई निगम आयुक्त ने निगम भिलाई का बजट महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर महापौर परिषद के सदस्यों ने महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में चर्चा की। सोमवार को हुई महापौर परिषद की बैठक में निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया, जिसे महापौर परिषद ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब इसे सामान्य सभा में रखा जाएगा। बजट को लेकर महापौर परिषद की बैठक प्रातः 10:30 बजे प्रारंभ हुई। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के लिए तैयार किए गए बजट को महापौर को प्रस्तुत किया। महापौर नीरज पाल ने बजट की चर्चा प्रारंभ कराई और महापौर परिषद के सदस्यों ने बजट को लेकर समीक्षा की और शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। महापौर परिषद के समस्त सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर अपने विचारों से अवगत कराया। बजट में शहर के विकास के लिए जरूरी एवं आवश्यक कार्य के साथ साथ सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका समावेश किया गया है। हाँ, देखिए मायसी में बजट को लेकर ही जो है चर्चा हुई है, जिसमें 2023-24 जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो बजट संबंध में जो पारित किया जाना है उसको लेकर जो है बजट बैठक में सभी मायसी सदस्यों से माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें सुझाव प्राप्त हुए और उस आधार पर जो है सर्वसम्मति से बजट को पारित करते हुए इसको सामान्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं देखिए, विवाद की स्थिति कहीं भी निर्मित नहीं होती है, सुझाव होते हैं, चर्चा होती है, उन पर ही बात हो। बिल्कुल भिलाई के हित के लिए जो बजट है वो पारित होता है और जो भी इसमें जो शहरी विकास के जो होते हैं कार्य होते हैं वो शामिल होते हैं। देखिए वेतन के लिए तो जो है ये तो निगम का कर्तव्य ही है कि वेतन भुगतान करना होता है, तो जो है वित्तीय स्थिति को देखते हुए वेतन भुगतान जो है नियमित रूप से किया जा रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें वेतन भुगतान जो है शीघ्रता से कर्मचारियों का भी हो रहा है। सोमवार को MIC की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास तथा अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं MIC सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें महापौर परिषद के सभी सदस्यों सहित निगम के उपायुक्त नरेंद्र बंजारे, लेखा अधिकारी जितेंद्र ठाकुर एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।